एक ही बैटर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी दही फुल्की बनाने का तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। और देखिए दही फुल्की बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें हमने ना सोडा डाला है ना बेकिंग पाउडर डाला है, बस ऐसे ही इन्हें बनाया है। ये है मीठी दही फुल्की जो खाने में अमेजिंग टेस्ट वाली है, और ये है नमकीन और ये है तड़के वाली। इसे किस तरीके से बनाया है वो सब हम वीडियो के अंदर देखेंगे, पर यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए झटपट से रेसिपी देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ तीन तरह की दही फुल्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसे बनाने के लिए मैंने करीब 1 केजी दही ले लिया है। दही फुल्की के लिए आप जब दही लें बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एकदम फ्रेश हो, क्योंकि अगर खट्टा हो जाएगा तो फुल्की का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। और सबसे पहले हम दही को या तो छान लेंगे या हैंड ब्लेंडर से चला लेंगे। दही को मैंने हैंड ब्लेंडर से चला लिया है और दही बिल्कुल स्मूथ हो गया है। हम तीन तरह की दही फुल्की बना रहे हैं, इसलिए दही को तीन जगह हम ट्रांसफर कर लेंगे। और ये तीन जगह मैंने दही ट्रांसफर कर लिया है। दही फुल्की के लिए हमें बहुत ज्यादा गाढ़े दही की जरूरत नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा पतले यानी छाछ जैसे दही की भी जरूरत नहीं होती। नॉर्मल दही है, बस उसे चला लिया है। और एक दही में हम डाल देंगे करीब 2 टेबल स्पून जितनी चीनी, टेस्ट के हिसाब से नमक, और नमक हम तीनों में डाल देंगे पर थोड़ा कम कम डालेंगे। और ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है दही बड़े का मसाला, और ये दही फुल्की में बहुत ही अच्छा लगता है, ये तीनों में डाल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। और जो फुल्की हम नमकीन बनाने वाले हैं उसमें मैं डालने वाली हूँ ये 5-6 कलियां लहसुन की, जिसे अच्छे से पीस लिया है। आप मीठी जो फुल्की बनाएं उसमें लहसुन ना डालें, क्योंकि मीठे के साथ लहसुन का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दही में हमने मसाले डाल दिए हैं और अब दही को फ्रीज में रख देते हैं, जिससे अच्छा ठंडा हो जाएगा। अब करते हैं फुल्की की तैयारी। उसके लिए बाउल लिया और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख दिया, और उस पे हम करीब 250 ग्राम बेसन डाल देंगे। बेसन नॉर्मल है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा बारीक है, और उसे अच्छे से छान लेंगे। और बेसन भी अच्छे से छन चुका है, ये देखिए। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, साथ ही डाली 1 हरी मिर्च। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप मिर्च को स्किप कर सकते हैं। 1 पिंच जितनी लाल मिर्चें, बस थोड़े से ही मसाले डालने हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम फुल्की के लिए बैटर तैयार करेंगे। पानी एक साथ बहुत सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और इसके बाद हम बेसन को बिल्कुल अच्छे से विक्स करेंगे जब तक ये पूरी तरह से हल्का नहीं हो जाता। दही फुल्की के बैटर को मैंने हाथ से करीब 2 से 3 मिनट तक फेंट लिया है, और आप लोग देख सकते हैं कलर हल्का सा चेंज हो गया है और काफी फ्लफी हो गया है। दही फुल्की के बैटर को फेंटते हुए एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जिस डायरेक्शन से फेंटना स्टार्ट करें बस उसी डायरेक्शन पर लगातार फेंटे, उससे हमारा जो बैटर तैयार होगा ज्यादा अच्छा तैयार होगा, ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएगा। चलिए अब टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बैटर को करीब 3 मिनट तक फेंट लिया है। ये लिया पानी और थोड़ी सी ड्रॉप हम इस तरीके से गिराएंगे, और देखिए ये पानी के ऊपर अच्छे से फ्लोट कर रही है, यानी हमारा जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से फिट चुका है। जिस तरीके से हम दाल का टेस्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बेसन का भी टेस्ट किया है। दही फुल्की का बैटर तैयार हो गया है, और अब बारी है डीप फ्राई करने की। बस नॉर्मल गर्म ऑयल में हम छोटी छोटी फुल्की बना लेंगे। फुल्की का साइज आप अपने मन से रख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा या बड़ा, पर फुल्की पहले जब हम पानी में डालेंगे तब थोड़ी सी डेवलप होगी, उसके बाद दही में जाके डेवलप होगी, इसलिए बहुत ज्यादा बड़े साइज की फुल्कियां ना बनाएं। फुल्की मैंने ऑयल में ड्रॉप कर दिए हैं, बस हल्के हाथ से टर्न करते हुए हम इन्हें सेक लेंगे। जब फुल्की सीख जाती है अपने आप टर्न होने लगती है, जैसे कि गुलाब जामुन होने लगते हैं। बस हल्के से उलटते पलटते जाएं और सेक लें। फुल्की अच्छे से सीख चुकी हैं, काफी अच्छा कलर आ गया है। फुल्की को बहुत ज्यादा ना सेकें, अगर बहुत ज्यादा आपने डार्क कलर की फुल्कियां ऑयल में कर ली तो ये दही को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और हार्ड रह जाएंगी।
बिल्कुल इसी स्टेज पर ऑयल में से फुलकी को बाहर निकाल लेते हैं। और ये मैंने लिया है नॉर्मल पानी और फुलकी अभी काफी गर्म है, इसी समय हम ये पानी में डाल देंगे। एक बार अच्छे से दबा देते हैं जिससे ये पानी को हल्का सा एब्जॉर्ब कर लेंगी। दही फुलकी फूल चुकी है, पर आप दही फुलकी को जब पानी में डालें बहुत देर के लिए न डालें, जैसे कि नॉर्मल हम दही बड़े को डाल देते हैं, बस सिर्फ 1 से 2 मिनट। और सबसे पहले हम मीठी वाली फुलकी तैयार करेंगे। जिस दही में हमने चीनी डालकर रखी थी उसमें डाल देंगे करीब 2 टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई। इससे फुलकी की रिचनेस तो बढ़ेगी ही, साथ ही टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और फुलकी बहुत देर से खट्टी होंगी क्योंकि काफी गर्मियां चल रही हैं। और ये मीठे दही को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है, मलाई को दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें फुलकी डाल देते हैं और फुलकी पर डाल देते हैं थोड़ी सी इमली की मीठी चटनी। और अगर आपने इमली की मीठी चटनी का मेरा रेसिपी नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बहुत ही टेस्टी चटनी है। और स्पेशल बात इसमें यह है कि मैंने इसे लेफ्ट ओवर चीनी के साथ बनाया है, जो हमारी चाशनी बच जाती है उसके साथ। और ये हरे धनिया की तीखी चटनी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, अब बिल्कुल थोड़ा सा डाल देते हैं दही बड़े वाला मसाला जिससे और भी अच्छा फ्लेवर करेगा, अनार के दाने। और ये लीजिए मीठी वाली दही फुलकी हमारी बनकर तैयार है। और अब बनाते हैं नमकीन वाली, इसमें भी कुछ फुलकियां डाल देते हैं। और हमारी ये वाली दही फुलकी भी बनकर तैयार है, इसे भी एक साइड से रखते हैं। और अब बनाते हैं तड़के वाली दही फुलकी, उसके लिए दही को एक बड़े बर्तन में कर लिया है और ये बची हुई फुलकियां हम इस दही में डाल देंगे। और तड़के वाली दही फुलकी के लिए गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन रख दिया है और पैन में हम डाल देंगे बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल की जरूरत नहीं है, ऑयल को गर्म होने देते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसके अंदर डालेंगे 1 पिंच जितनी हींग, 1/4 टीस्पून जितना जीरा, और ये मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे इस तरीके से बस पतला पतला काट लिया है वो डाल देंगे। साथ ही 2 सूखी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे, इससे फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। और प्याज बिल्कुल अच्छी भून चुकी है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब बस ये तड़कता भड़कता हुआ तड़का हम फुलकी के ऊपर डाल देंगे। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी ये तड़के वाली फुलकी भी हमारी तैयार है। और ये लीजिए हमारी 3 तरह की बहुत ही टेस्टी दही फुलकी बनकर तैयार है। ये तो रही हमारी तड़के वाली दही फुलकी जिसपे मैंने थोड़े से अनार और हरे धनिया से गार्निशिंग कर लिया है, ये रही नमकीन वाली बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी दही फुलकी, इसपे भी थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हरा धनिया जिससे देखने में ज्यादा सुंदर लगेगी। और ये है मीठी वाली दही फुलकी, पर्सनली मुझे ये मीठी वाली बहुत पसंद है इसलिए इसे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है। एक ही बैटर से 3 तरह की दही फुलकी बनाने का ये सिंपल सा तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहेगा। एक बार इस तरीके से ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि आपकी दही फुलकी कैसी बनी। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।